शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1078 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1077 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1066 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 1055 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर देखेंगे हम, 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ब्रांडेरी, बारहसिंगा, हाथी, गधा या सियार? इसका सही आंसर है ब्रांडेरी, बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? पहला ऑप्शन है 0, मतलब कुछ भी नहीं, और दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 2। तो इसका क्या होगा सही आंसर, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है 0, मतलब मध्य प्रदेश में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1914 में, 1910 में, 1905 में या 1900 में? तो इसका सही आंसर देखेंगे हम, 1905 में मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? सातवां, पांचवा, छठा या तीसरा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है छठा। छठा स्थान है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? पहला हवंतिया टापू, दूसरा भेड़ा घाट, तीसरा टापू रीवा, चौथा है अपर लोक भोपाल। तो बताइए इसका सही आंसर, 10 सेकंड का समय देता हूँ आपको। बहुत ही आसान है इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है हवंतिया टापू। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से वर्ष में आए थे? पहला है 1968, 1967, 1969 या 1970 में? तो इसका सही आंसर है 1967। अगला क्वेश्चन, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? फतेह खान, फजल अली खान, दोस्त मोहम्मद खान या इनमें से कोई भी नहीं? बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल के फतेहगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घराना बाबा अलाउद्दीन खान से संबंधित था? ऑप्शन, ग्वालियर घराना, मेहर घराना, भोपाल घराना या इंदौर घराना? बताइए इसका ये सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मेहर घराना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है? पहला ऑप्शन है छतरपुर, दूसरा ऑप्शन है सिंधी, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर, चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर में पाताल पानी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की हाल ही में वन नीति किस साल पारित हुई थी? पहला
2002, 2004, 2005, 2003। बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश की हाल ही में वन नीति किस साल पारित हुई थी? जी, इसका सही आंसर है 2005 में।